वेलकम बैक। चलिए कल छुट्टी, उसके बाद दो दिन इस हफ्ते, और फिर मंडे और ट्यूसडे को आ जाएगा बजट। और ये ध्यान रखिएगा, फुल बजट होगा, क्योंकि इंटरिम बजट ऑलरेडी फरवरी में पेश हो चुका है। गुरमीत चड्ढा अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट में क्या पोजिशनिंग है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन रहेगी बजट से? क्या इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल गेंस टैक्स? मतलब वो तो है ही, उनके अलावा और क्या वॉचआउट करेंगे? अनुज, डायरेक्शनली ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार ये देखना चाहेगा कि गवर्नमेंट पॉपुलिज्म और ग्रोथ को कैसे बैलेंस करती है, और ये टोन सेट करेगा अगले 4-5 साल के। तो बजट बेसिकली ये दिखाएगा कि गवर्नमेंट किस तरह, क्योंकि सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है पहली बार पिछले 10 सालों में, और गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी फॉर्चुनेटली फिस्कल स्पेस है, क्योंकि RBI का डिविडेंड आया है। टैक्स कलेक्शन आप देखिए बहुत रोबस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो थोड़ा सा स्कोप है। तो एक फाइन रोप है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉपुलिज्म और एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए अगर ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करती है तो बाजार बहुत पॉजिटिवली लेगा। अगर थोड़ा भी टिल्ट होता है और थोड़ा सा कटबैक होता है इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये जो पूरी रैली हुई है EPC में, इंफ्रा में, एनर्जी में, जो गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ अनाउंस किया था पिछले बजट में, अगर वहां थोड़ा टेपरिंग डाउन होती है तो थोड़ा सा डी रेटिंग हो सकता है, क्योंकि वो सिग्नल करेगा कि अगले 4-5 साल के हैं। तो मेरे आई थिंक सिग्नलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल डेटा से, और मार्केट रन अप कर गया है इस एक्सपेक्टेशन में कि ग्रोथ ओरिएंटेड होने वाला है। अगर वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा भी मीट नहीं होगा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बाजार को हो सकता है। ओके, सेक्टोरली कहाँ ध्यान रहेगा आपका? कहाँ आपको लग रहा है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली बजट से रिलेटेड? तो अनुज, एक स्पेस जो हमें लगता है गवर्नमेंट का फोकस बहुत रहने वाला है वो एनर्जी स्पेस है, और आप निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स देखें तो 16 के अर्निंग मल्टीपल पे है पूरा एनर्जी इंडेक्स, निफ्टी 20-21 के मल्टीपल पे, और आप 5, 10, 15, 20 साल का अगर आप रिटर्न निकालेंगे तो 1.5 या 2% एनर्जी इंडेक्स ने बेटर किया है। और अभी भी जो अच्छे एनर्जी स्टॉक्स हैं, चाहे वो NTPC है, चाहे वो गेल है, चाहे वो पावर ग्रिड है, आपको मिड टीन्स पे मिलते हैं, 15-18 के अर्निंग मल्टीपल पे मिलते हैं अच्छे डिविडेंड यील्ड के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक तो फोकस गवर्नमेंट का रहेगा, पीक पावर डिमांड 240 गीगावाट क्रॉस करी थी अभी पीछे, 280 का प्रेडिक्शन है दिवाली के आसपास, और 400 गीगावाट की बात कर रहे हैं पावर सेक्रेटरी 2027 में, तो सेक्टर में 11-12% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, NTPC ऐड किया है, पावर ग्रिड ऐड किया है पोर्टफोलियो में, टाटा पावर हमारे पास काफी पुराना है, और हम कुछ और कंपनीज भी देख रहे हैं पावर एंसिलरीज में। एक जो थोड़ा सा प्रॉक्सी प्ले वो प्योर एनर्जी प्ले नहीं है, वो डेटा सेंटर का एनर्जी बैकिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए अभी सबसे ज्यादा जो डेटा सेंटर्स हैं वो बॉम्बे में है, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, 24 आवर्स पावर सप्लाई, बहुत डाउन टाइम नहीं हो सकता डेटा सेंटर में अगर आपकी एप्लीकेशन हाउस है। तो एक कंपनी है HBL पावर, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा भी पोजिशन लिया, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक, स्पेशलाइज बैटरी बनाता है डेटा सेंटर्स के लिए, डिफेंस सेंटर्स के लिए, और इसका कवच में भी जो रेलवे ओरिएंटेड है करीबन करीबन 30-35% मार्केट शेयर है। तो इस सेक्टर को लेके हम थोड़ा बुलिश हैं, थोड़ा हम FMCG की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है रोटेशन हो सकता है मार्केट में अगर बजट कंजम्पशन को बूस्ट करता है तो, चाहे वो ITC हो, टाटा कंज्यूमर हो, वरुण बेवरेज हो, वरुण बेवरेज अभी स्नैक सेगमेंट में भी एंटर कर गया है, अफ्रीका में एक्विजिशन किया है, एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छा कर रहा है, तो फुल फ्लैश एक फूड एंड बेवरेज कंपनी बन रही है फ्रॉम अ सिंपल लेट से जो बॉटलिंग यूनिट है, और बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं, तो वहां पे थोड़ा पोजीशन ले रहे हैं, और थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिवली हम ले रहे हैं जहां पे वैल्यूएशन कम पड़े। ये बताइए गुरमीत, आपने इनफैक्ट कुछ रेलवे कंपनियों की बात की, अभी अभी लक्ष्मण रॉय कह रहे थे कि वो रेल कॉरिडोर में बड़ा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ देर पहले हम जुपिटर वैगन्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा यू नो वो कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर देंगे, भारत में तो ऑर्डर्स बैक कर ही रहे हैं रेलवेज और डिफेंस की तरफ से, लेकिन आगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। इस तरह के प्लेस क्या आसानी से आइडेंटिफाई हो पाएंगे मार्केट में, जहाँ पर इंडियन मार्केट की जो एक्सपोजर है वो तो है ही, लेकिन साथ ही एक्सपोर्ट प्ले भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप पूरा अगर वैल्यू चेन मैप करेंगे तो सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरर्स पे आप जाएंगे वैगन्स की, अगर आप टीटागढ़ देखें तो जो करंट एक साल पहले था 80-20 था, 80 आपका जो था वो गुड्स ट्रेन के थे वैगन्स, और 20% आपके मेट्रो कोचेज, वंदे भारत और पैसेंजर थे। ये रेशियो अगर आप 4-5 साल में देखेंगे तो 50-50 होने का गाइडेंस है, और हाई बीटा स्टॉक है, काफी रनअप भी किया है, बट ग्रोथ गाइडलाइन क्लियर है अगले 5-6-7 साल की,
तो ऑल टिप्स आप और ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। फिर आप टिमकन इंडिया है, वो भी काफी अच्छा रन अप हुआ है, वो रिलेटेड प्ले है। और अगर रेलवे ट्रैक की जो कि अभी आप उन्होंने बात करी आपके साथी ने, इरकॉन उस पर आप देख सकते हैं। इरकॉन हालांकि आप देखिए 700-800% बढ़ गया है पिछले 2 साल में, पीएसयू है, बट प्योर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्ले है। और रेलवे कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है अगर पिछले साल का अगर आप देखिए, हमारी 1.25 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन का नेटवर्क है और पिछले साल हमने 14 किलोमीटर पर डे किया, तो काफी अच्छा एक्सपेंशन है। हम रोड्स की बहुत चर्चा करते हैं कि 30 किलोमीटर हुआ पर डे, रेलवे ट्रैक भी 14 किलोमीटर पर डे का आपका है। और मुझे लगता है अगर ये सस्टेन होता है तो रेलवे का जो पूरा ईपीसी प्ले है वहां पे, इरफान अभी हालांकि 28-29 टाइम्स है फॉरवर्ड रनिंग, थोड़ा सा हायर साइड पे, बट अगर एक्सपेंशन यही 14-15 किलोमीटर पर डे का रहता है तो आप थोड़ा लंबा व्यू देके पूरी इस वैल्यू चेन में भी फोकस कर सकते हैं। गुरमीत नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। स्पेशली कोविड के बाद इक्विटी मार्केट की स्ट्रेंथ और बड़े मूव का एक बड़ा एडवांटेज अगर आप देखें जो पैसा फ्लो हुआ है एएमसी स्टॉक्स डिपॉजिटर्स और ब्रोकरेज कंपनियों में पड़ा है। बट आई थिंक इस शायद बजट में एक धारणा बन रही है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को स्पेशली वीकली ऑप्शन आई थिंक जो ट्रेडिंग है फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है उसको थोड़ा डिमोरलाइज करना है। इस संदर्भ में अगर इस बजट में कुछ स्ट्राइक किया जाता है तो आपका स्पेशली जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो भी एक बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही हैं उन पर टेक क्या होगा? देखिए, थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं जो सेबी ने अनाउंस किया था मार्जिन्स को लेके और सेटलमेंट्स को लेके, और एक जो एक कॉमन स्लैब लगना चाहिए उसका इम्पैक्ट है। जीरोधा के जो फाउंडर है उन्होंने इमीजिएटली ट्वीट किया था उसके बारे में कि उनकी अर्निंग पे वो 10-15% का इम्पैक्ट कर सकता है। फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर, तो आप देखिए 99.6% डेरिवेटिव वॉल्यूम टू कैश है, किसी भी अच्छी इकोनॉमी में 70-30 होता है, तो ये बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा कंसर्न है। कुछ एक इंस्टेंसेस भी आए हैं जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ है, तो रेगुलेटर और ये थोड़ा कल को सिस्टमिक स्टेबिलिटी पे भी सवाल खड़े कर सकता है, हालांकि हमारा सिस्टम बहुत रोबस्ट है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक्सचेंज स्टॉक्स हैं चाहे और जो थोड़े ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे प्रेशर आ सकता है, बट मुझे डिपॉजिटरी पे और एएमसीज पे ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं दिखता। थोड़ा सा क्योंकि पूरा पैक इफेक्ट होगा तो थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बट बहुत सेकुलर स्टोरी है। एएमसीज में अगर आप देखें तो जैसे एचडीएफसी और निपॉन ने बहुत अच्छा किया है। एचडीएफसी आप देखेंगे तो 90,000 करोड़ मार्केट कैप है और 22% मार्केट कैप टू एसेट्स है उसका जो वैल्यूएशन है। निपॉन आप देखेंगे तो 16-17% है, 40-42 हजार करोड़ मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप बिरला देखेंगे जिसका इक्विटी मिक्स निपॉन से लगभग, वो सिर्फ 20 हजार करोड़ मार्केट कैप। थोड़ा मुझे लगता है बिरला ग्रुप का थोड़ा सा री रेटिंग हो रहा है, चाहे वो बिरला कैपिटल है चाहे बिरला एएमसी है। इक्विटी फंड्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, वापस आ रहे हैं और ये साल काफी अच्छा किया बिरला के स्टॉक में। 400-500 रुपए का लेवल था आज से 6-8 महीना पहले, अभी थोड़ा और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 11-12% के एसेट्स पे वैल्यू वैल्यू करता है। तो मुझे लगता है एएमसीज में जो थोड़े रीजनेबली वैल्यू स्टॉक्स हैं और आप देखेंगे मार्क टू मार्केट से अर्निंग्स बढ़ता है क्योंकि एनुअली बिजनेस है। आप ट्रेल मॉडल पे और उस पे वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के साथ। डायरेक्ट प्लान आने के बाद भी जो एवरेज यील्ड्स हैं वो अभी भी इक्विटी पे अच्छी है, 40-50 बेसिस का स्प्रेड है। तो मुझे लगता है कि एएमसीज और आरटीएस में और डिपॉजिटरी पे इसका इम्पैक्ट कम होगा, मेरे हिसाब से ना के बराबर होगा। एक्सचेंजेस और उस पर हो सकता है, बट अगर कोई करेक्शन बड़ा करेक्शन आता है उस स्पेस में तो मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी। ओके अच्छा गुरमीत, ये तो बजट की तो खैर काफ़ी बात हो गई, अब थोड़ा अर्निंग सीजन में बात करते हैं आईटी की। आपने टीसीएस के नंबर्स देखे होंगे, एचसीएल टेक के देखे होंगे, परसों हम इन्फोसिस के भी नंबर्स देखेंगे। क्या पसंद आ रहा मार्केट को जो इस तरीके की रैली देखी है हमने आईटी में? अनुज, मुझे लगता है नंबर से ज्यादा होप ट्रेड हो रहा है। नंबर तो अभी भी आप देखेंगे मार्केट शायद ये प्राइस कर रहा है कि जो वर्स्ट है वो खत्म हो गया है और बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस बेटर होगी, बट अगर मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी मिक्स रहने वाली है। हमने देखा एचसीएल के नतीजे थोड़े सॉफ्ट थे, टीसीएस के नतीजे थोड़े से बेहतर थे। इंफोसिस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने पिछले साल अर्निंग राइट डाउनवर्ड रिवाइज किया, जो कि बहुत इंफोसिस का बड़ा अनलाइक इंफोसिस है क्योंकि इंफोसिस का मैनेजमेंट कंजर्वेटिव माना जाता है, बहुत लोग फॉरवर्ड गाइडेंस देते नहीं है, इन्फोसिस देता है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब डाउनवर्ड डिवीजन हुआ तो स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बट वहां से 1100-1200 के लेवल से बहुत अच्छा रिटर्न आया, बट वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है अनुज। आप देखिए 24-25 पे इंफोसिस है, 28 के अर्निंग मल्टीपल पे टीसीएस है, एचसीएल भी जो पहले रीजनेबल था जब 1100-1200 था वो भी अब 22 के अर्निंग मल्टीपल पे, और गाइडेंस अभी भी सिंगल डिजिट की है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेग्रीगेशन होगा जिस कंपनी का, जैसे एचसीएल में सॉफ्टवेयर बिजनेस अच्छा कर रहा है, $1 मिलियन का रेवेन्यू करता है, 25% मार्जिन है, तो ये बिजनेस मुझे लगता है आगे थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर सकता है एचसीएल के लिए, ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज ज्यादा है, जो जिनका निश है KPIT है, परसिस्टेंस है, ये बेटर ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है, 50-60 का अर्निंग मल्टीपल है। तो मेरा झुकाव थोड़ा प्लेटफॉर्म तरफ ज्यादा है, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, हमें जोमेटो पॉलिसी बाजार वगैरह हमारा 1-2 महीना पहले जब चर्चा हुआ था अच्छा लगता है, हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस है। आईटी सर्विसेज को लेके मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ, इनफैक्ट मैं शायद थोड़ा सा अंडरवेट हूँ। गुरमीत, ये FMCG प्लेस पर आपकी क्या राय रहेगी? HUL, टाटा कंज्यूमर, सब में मोमेंटम आ गया है, अब इस मोमेंटम को क्या प्री बजट रन के तौर पर देखना चाहिए या फिर वॉल्यूम्स में पिकअप की उम्मीद है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उस लिहाज से भी एंटिसिपेशन में लोग पोजीशन अपनी बढ़ा रहे हैं? इसको दो पार्ट में अच्छा जी डिवाइड कर सकते हैं, एक जो थोड़ा स्ट्रक्चरल प्ले है जहां लंबा खेलना चाहते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर है, ITC है, वरुण गोदरेज हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से, एक आपका एक हो सकता है आपका जो टैक्टिकल प्ले आप करना चाहते हैं जो कि बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट है, जो कि स्टॉक्स चले नहीं है बिल्कुल, जैसे डाबर इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, HUL अभी अपना एयर प्योरीफायर बिजनेस हाईवॉक कर रहा है, बेच रहा है, वापस से फोकस आ रहा है, इमामी ने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और री रेटिंग हो सकता है अगर नतीजे अच्छे हैं, तो आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मिसेस बेक्टर है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपके जो QSR लिंकेज भी बहुत अच्छा है उसका, और की इंटरमीडियरी है फूड बेवरेज जो QSR स्पेस का, तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं जैसा बोला, मैं कंस्ट्रक्टिव, हम टाटा कंज्यूमर शायद पिछले 6-7 साल से होल्ड करते हैं, जब से उसका नाम टाटा ग्लोबल बेवरेज था, वरुण बेवरेज मुझे लग रहा है ट्रांजिशन हो रहा है, कंप्लीट फूड एंड बेवरेज कंपनी बन रही है फ्रॉम अ सिंपलर बॉटलर, और थोड़ा सा हम जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जैसे कॉलगेट है, गोदरेज है, वहां पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा शायद वो इन लाइन आ सकता है बाकी FMCG कंपनी से। अच्छा गुरमीत, अभी जोमेटो ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म फीस जो है उसमें हल्का सा हाइक किया, और मीनवाइल यहाँ पे जुबिलेंट फूड लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद अच्छा कर रहा है। अभी मेरे ख्याल से जोमेटो आपके पास है भी, लास्ट टाइम बात भी हुई थी, अभी इस सेगमेंट में क्या आप लोगों ने ऐड किया, क्या अच्छा लग रहा है, और इस बार के अर्निंग्स में क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेशली जुबिलेंट फूड्स के लिए? QSR पे जैसे वीरू जी मैंने बोला, मैं शुरू से बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, पूरा QSR स्पेस अगर आज आप ऐड करेंगे तो 65-70 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है, इसमें आप सब जोड़ दीजिए, जुबिलेंट, वेस्टलाइन, देवयानी, सफायर, आप सब ऐड कर दीजिए, हल्दीराम अकेला 75-80 हज़ार करोड़ है, और अगर आप एक फार्मा कंपनी उठाएंगे तो 1-1.25 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है QSR जिस हिसाब से एक ट्रेंड आ रहा है, कुकिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है, वर्किंग कपल्स हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मुझे लगता है कि QSR अच्छा करेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली हमारे पास वेस्ट लाइफ है, मिसेस बेक्टर है पोर्टफोलियो में, जुबिलेंट को हम देख रहे हैं, लीडरशिप चेंज हुआ है, इससे एक और रिलेटेड है, हालांकि कम्प्लीटली QSR स्पेस नहीं है, वो यूनाइटेड ब्रूरीज है, वहां पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जो PNG के ऑस्ट्रेलिया हेड थे, जो PNG के ग्लोबल हेड बनने वाले थे, उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा रेपुटेशन कैरी करते हैं। और आप एक चीज देखिए, जब भी FMCG में लीडरशिप चेंज हुआ है, चाहे वो सुनील डिसूजा हो टाटा कंज्यूमर में, अभी मैंने आपसे गोदरेज की और कॉलगेट की चर्चा करी थी, गोदरेज में XHUL बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रांड स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, आप लेवरेज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बहुत इंडिया में बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ेगा, ये बहुत ही सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी है, तो हम लेंगे, हम अभी QSR में सिर्फ वेस्ट लाइफ में, बट हम रिव्यू कर रहे हैं, और मिसेस वेक्टर में जो कि लिंक्ड है उससे, बट बाकी स्टॉक्स को भी हम काफी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। QSR अच्छा करेगा तो हेल्थ केयर भी अच्छा करेगा, और थोड़े लिस्टेड जिम प्लेस भी होने चाहिए थे, वो भी अच्छा करते। गुरमीत बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अजीब चीज़ है वैसे, QSR में इतने प्लेयर्स हैं और लिस्टेड जिम प्लेयर कोई है नहीं, एक हुआ करता था, हाँ टफ लक फॉर देम, और एक SME स्पेस में भी था, आई थिंक पावर हाउस जिम, वो भी आई थिंक कुछ कर नहीं पाया,
और तलवलकर्स का तो खैर हम सब जानते हैं हाल क्या हुआ था। खैर एनीवे चलिए अब आगे की बात करते हैं और अब थर्सडे की ट्रेड की बात करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक पर फोकस? गुड आफ्टरनून, दो स्टॉक्स। एक्सिस बैंक, अगले हफ्ते रिजल्ट्स आएंगे ऑब्वियसली, अभी भी 7-8 दिन बचे हैं रिजल्ट्स को लेकर।